इंटरनेशनल मंच पर मोदी की दहाड़, 20 से अधिक देशों के सामने इजराइल पर ऐसी बात बोले मोदी, सब लोग हैरान। चीन, रूस, अमेरिका मोदी की इस दहाड़ के सामने रह गए हक्के बक्के। उधर सोया था पूरा पाकिस्तान, तभी भारत ने दागी बर्मोज मिसाइल। दोस्तों, इंटरनेशनल मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने 20 से भी ज्यादा देशों के सामने इजराइल पर ऐसी बात बोल दी, जिसके बाद चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश भी हक्के बक्के रह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि आतंकवाद किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, हमें स्वीकार्य नहीं है और सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। होस्टेजिस को रिलीज करने का जो समाचार सामने आया है, उसका हम स्वागत करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि सभी होस्टेजिस जल्द रिहा हो जाएंगे। इस दौरान मानवीय सहायता लगातार पहुंचाई जाना बहुत जरूरी है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजराइल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। और आज हम जिस तरह का संकट देख रहे हैं, हम सब में यह ताकत है कि हम उसका सामना कर सकते हैं, साथ ही हम आतंकवाद के विरुद्ध और मानवता के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए भारत कदम पर कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने बयान से यह साफ साफ बता दिया कि वह चाहते हैं कि जल्द ही इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध खत्म हो जाए और इसके अलावा फिलिस्तीन के लोगों को लगातार मानवीय सहायता पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द इजराइल के उन सभी होस्टेजेस को रिहा कर दिया जाए जिन्हें हमास ने बंधक बना रखा है। साथ ही उन्होंने सभी देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है और वे चाहते हैं कि एक परिवार की तरह मिलकर सभी देश शांति कायम करें और आतंकवाद के खिलाफ भी जल्द से जल्द कदम उठाएं और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ऐसे में भारत ने इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर अपना रुख सभी देशों के सामने पूरी तरह से साफ कर दिया। इस युद्ध को लेकर उसका क्या पक्ष है, तो वहीं दूसरी तरफ जब पूरा पाकिस्तान सोया हुआ था, तभी भारत ने अपनी बर्मोज मिसाइल दाग दी। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने पहली बार सेना में शामिल होने से पहले किसी युद्ध पोत से मिसाइल दागी है। इस युद्ध पोत का नाम है विशाखापट्टनम क्लास स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल और इससे दागी गई है दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बर्मोज। युद्धपोत INS इम्फाल से निकली बर्मोज मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन ने बुल्स आई को निशाना लगाया, यानी कि सीधा टारगेट पर। इम्फाल एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है और यह इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल होगी। इस जंगी जहाज का डिस्प्लेसमेंट 74,000 टन है। यह 535 फीट लंबा युद्धपोत है। इसकी अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर इसे 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाए तो यह 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। इसमें 4 रिजिड बोट्स भी है। इसमें 32 बराक सरफेस टू एयर मिसाइल लगी है। इसके अलावा एंटी सरफेस वॉरफेयर के तौर पर 16 बर्मोज एंटी सिप मिसाइलें तैनात है। साथ ही 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स है और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं। इस युद्धपोत में 50 नेवल ऑफिसर और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसके जरिए दूर बैठे ही मिसाइल दागी जा सकती है और मिसाइल सीधे टारगेट पर हमला कर देती है और इन हथियारों की सटीकता को शीकर ही पूरा करता है। इन मिसाइलों में कई बार ऑटो पायलट शीकर लगे होते हैं, लेकिन अब इस बार इंफ्रारेड शीकर की बड़ी मांग है। मिसाइल और रॉकेट में लगभग एक जैसे बूस्टर लगते हैं और बूस्टर वे यंत्र होते हैं जो गति को बूस्ट करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। बर्मोज मिसाइल के बूस्टर पहले रूस से आया करते थे। बता दें कि बर्मोज मिसाइल हवा से ही रास्ता बदलने में सक्षम है और चलते फिरते टारगेट को तुरंत बर्बाद कर देती है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी कि दुश्मन के रडार इसे देख नहीं पाएंगे और इसे गिराना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अब इसका सफल परीक्षण हो चुका है, जिसने पाकिस्तान चीन की नींद उड़ाकर रख दी है। क्या कहना है आपका इस पर जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान मत फेराओ कटोरा, सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को चीर फाड़ दिया। दोस्तों, तालिबान से झटका मिलने के बाद अब एक और मुस्लिम देश यानी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल कर दिया।
और पाकिस्तान के कटोरा से डॉलर निकाल दिए। जी हाँ दोस्तों, अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रिफाइनरी स्थापित करने से साफ इनकार कर दिया है और इससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का झटका लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी ने आखिर ऐसा क्यों किया, चलिए अब आपको विस्तार से थोड़ा इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, चीन और सऊदी अरब दो ऐसे देश हैं जिनके सामने पाकिस्तान सालों से हाथ फैलाए खड़ा है, लेकिन इनमें से एक देश यानी सऊदी अरब अब पाकिस्तान से धीरे धीरे करके अपना पीछा छुड़ा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान बार बार उसके पास पैसे मांगने के लिए पहुंच जाएगा और इसी वजह से सऊदी अरब ने अब साफ साफ कह दिया कि वह पाकिस्तान में अत्याधुनिक और डीप कन्वर्जन रिफाइनरी स्थापित नहीं करेगा। और सऊदी के ऐसा करने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ उसके बारे में आपको बता देते हैं। ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 10 अरब डॉलर की रकम है, क्योंकि इतनी लागत से ही ये रिफाइनरी पाकिस्तान में बनने वाली थी। जब पाकिस्तान ने पहले सऊदी के सामने हाथ फैलाया था तो सऊदी की कंपनी अरामको ने रिफाइनरी की स्थापना के लिए हामी भर दी थी, लेकिन अब सऊदी ने साफ साफ बता दिया कि वहां की कंपनी अरामको अब पाकिस्तान में निवेश करने में दिलचस्पी नहीं रखती। और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार अगर सऊदी पाकिस्तान में डीप कन्वर्जन रिफाइनरी बनाता है तो इससे प्रतिदिन लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सकता है, यानी कि अब पाकिस्तान की गोद में से सोना वापस चला गया। खैर, सऊदी अरब के इस फैसले से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में ये रिफाइनरी बन जाती तो इससे पाकिस्तान को अच्छा खासा मुनाफा होता। हो सकता है कि पाकिस्तान जिस कर्ज में डूबा है वह थोड़ा कम हो जाता, और आए दिन जो वो अलग अलग देशों से पैसे मांगता रहता है उसे ऐसा ना करना पड़ता। ऐसे में सऊदी अरब का यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने ऐसा भारत के साथ अपनी दोस्ती को निभाने के लिए किया और आगे जाकर सऊदी अरब की कंपनी भारत में अपना यह प्लांट स्थापित कर सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अब फिर से संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसी गलती कर दी जिसे लेकर भारत अक्सर उसकी क्लास लगाता आया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर राग अलाप दिया, जिसके बाद भारत ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तान को खूब लताड़ा। इस बार भारत ने पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ाया और यह कहते हुए पाकिस्तान के मजाक को नजरअंदाज कर दिया कि पाकिस्तान के बयान पर प्रतिक्रिया देकर भारत पाकिस्तान को ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देगा। ऐसे में भारत की नजर में पाकिस्तान का क्या महत्व है वह भारत के इस बयान से साफ झलक गया, और भारत ने साफ साफ बता दिया कि पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं जिसे वह खास महत्व दे। आपको बता दें कि भारत के एक काउंसलर ने साफ साफ बयान देते हुए कहा कि मेरे देश के खिलाफ एक स्थायी प्रतिनिधि द्वारा दी गई अनुच्छेद और आदतन टिप्पणियों को खारिज करने में मुझे एक सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा और मैं यहां पर प्रतिक्रिया देकर उनका मान नहीं करूंगा। यानी कि भारत ने सीधे और साफ शब्दों में पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती कर डाली। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने पर चर्चा हो रही थी और इसे लेकर सभी देश अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब इसी बात को लेकर जब यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा उठा तो भारत ने इस अंदाज में पाकिस्तान को लताड़ दिया, और पाकिस्तान ने कोई पहली बार भारत को लेकर इस तरह का बयान नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान ऐसा बयान कई बार देता आया है और हर बार भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ऐसे में भारत और पाकिस्तान को जवाब न देकर अलग तरह की उसकी खिल्ली उड़ाने में लगा है, और इस बार भी भारत कुछ ऐसा ही किया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।